अब समाचार विस्तार में। हमास से इजराइल में कैल गेल हमला में किबुज स्थित कृषि फार्म में इंटर्न में रहल धमसा के आनंद शाह सहित 10 नेपाली विद्यार्थी के निधन भेल छे। लक्ष्मीनिया गांव पालिका वड़ा नंबर 4 सफी के आनंद शाह के मृत्यु के खबर संगे सफी गांव शोक में डूबल छे। परिवार में बाबू माय आ बहन सब के कान का हाल बेहाल छे। बाबू सोमन शाह आ माय शिवकली देवी विक्षिप्त भेल छे। बच्चे से कृषि कर्म के महत्व राखे वाला आनंद अपन भविष्य सेहो कृषि क्षेत्र में बनेबाक सपना देखने छल। जनकपुर धाम स्थित एंजल बोर्डिंग स्कूल से एसई उत्तीर्ण कयने ओ पूर्ण छात्रवृत्ति में बीएससी एग्रीकल्चर कयने छल। सुदूर पश्चिम के कृषि विश्वविद्यालय से 49 नेपाली विद्यार्थी के कृषि क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान देबाक लेल 10 महीना के प्रशिक्षण के लेल इजराइल भेजल गेल छल। मुदा 49 में से आनंद सहित 10 विद्यार्थी नेपाल से ओत गेला एक महीना भीतरे हमास के निशाना में पड़ल छे। बाबू सोमन बेटा आनंद के इजराइल भेज 3 लाख रुपया ऋण लेने समेत बतौलन। आज ये सब खत्म करके आई इंटरनेशनल शिप में आ डटल दूरा गेलियो आ वही से कॉलेज में कल कई बार के ऑफर आयल 50 गो विद्यार्थी बलू बाहर जाती पड़क लागे ट्रेनिंग में आ वही अगती कल के टिकट के डुआ या 85,000 की करते लेल के पासपोर्ट करता लगली अंदर सब करता सब अपन लगली। आनंद अपन जीवन काल में 1 करोड़ से बेसी गाछ रोपबाक संकल्प लेने छल। आनंद लेने अपन इस संकल्प पूरा नहीं कक इस संसार से विदा भेला से स्थानवासी समेत शोक में डूबल छे। सफी गाम एकटा अनमोल रत्न गुमने स्थानवासी सबके कहब छे। सामाजिक नाते से बाबा लगबे हम सब कहियो कहियो पूछिए जे तोरा स्कॉलरशिप लो पर तोर की सब तो बाबा हम एक लाख गाछी हम रोपबो। हम कृषि के लका पढ़ का लिख का सफी के नाम भी उजर करबो और अपना बाप माई के भी नाम चलबे और नीक विद्यार्थी कोनो आदमी जोड़े ने कोनो बच्चों जोड़े भय विवाद झगड़ा झंझट चाहे कुछ करब जे बाप माई पर कोनो अगर असर पड़त पर पंचायती होते से सब कुछो नहीं एकदम सरल स्वभाव के बाबुओ ओकर सरलू शाह ओहो एकदम सरल स्वभाव के अपन खेती जे कुछ है से और लेबरों में करे पड़ते कुछो करे पड़ते से सब काम कर बहुत दुख के साथ और परिश्रम के साथ बेटा के पढ़ाव में आ अथी में लागल छे। आई ओकर तो रतन गम गए सरलू के दोनों प्राणी के पढ़ाई के लिए आनंद इजराइल पुगलो पर एक दिन से कक्षा में शामिल होब नहीं सकल। ओत के कैंपस में $5,088 बुझला पर मात्र कक्षा में शामिल होब सकबाक बुझला बाद बाबू के परेशानी नहीं हुए सोच कर वो ओत काज क पैसा के जोगाड़ कर लागल छल। ओत से अध्ययन क परिवार के नाम ऊंच बनेबा कह कर बाबू के समझा कर वो इजराइले में रह कर काज शुरू कयने छल। आनंद ओत नेमो फलाव के आ तोड़ के काज करे दियाल छल। कल के वही हम सब बुझ लिए बीएससी पढ़ल है तो कोनो काम देती वही नियम कटबा बैठा रह ले कॉलेज नहीं भेल ही अब ये तकल अनेमो काट के पैकिंग कैल के 1800 भरा दिन कटावे तर आनंद के घर में दादी माय बाबू आ 3 बहिन छे।
एम्हर इजराइल में नेपाली सबके स्वदेश घुरेबाक प्रक्रिया शुरू केनाई के संगे ई घटना में मारल गेल नेपाली विद्यार्थी सबके सब नेपाल आनबाक लेल मांग सहित सफी के स्थानीय निवासी राजमार्ग में चक्का जाम समेत कयने छल। इजराइल में आनंद शाह के संगे कैलाली के घोड़ा घुटी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के नारायण प्रसाद न्यूपाने, बझांग के जय पृथ्वी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के गणेश कुमार नेपाली, कैलाली बैनिया के आशीष चौधरी आ दारचूला के लेकम गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 के दीपेश राज बिष्ट के मृत्यु भेल छै। तहिना डोटी के तत्कालीन पचनली गावी सवड़ा नंबर 3 के राजन फुलारा, डोटिये के तत्कालीन लामी खाल गावी सवड़ा नंबर 8 के पदम थापा आ सल्याण के शारदा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के प्रवेश भंडारी के मृत्यु भेल छै। तहिना दारचूला के मालिका अर्जुन नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के लोकेन्द्र सिंह धामी आ सुनसरी के तत्कालीन मधुबन गावी सवड़ा नंबर 1 के राजेश कुमार स्वर्णकार के मृत्यु भेल छै। एक विद्यार्थी अखनो बेपत्ता रहल छै। बीएससी एग्रीकल्चर अध्ययन क के लर्न एंड अर्न कार्यक्रम अंतर्गत 11 महीना के लेल इंटर्न कर एक महीना पहिने मात्र इजराइल गेल सुदूर पश्चिमांचल विश्वविद्यालय के 49 में से 10 विद्यार्थी के मृत्यु भेल छै।